अरे इनाया तुम परेशान मत हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अरे तुम इतना डरो मत, डर लग रहा है। अरे किसी फोन की आवाज आ रही है। हाँ तुम देख कर आओ, शायद मम्मी पापा कॉल कर रहे होंगे। अच्छा मैं देख कर आती हूँ। अरे इनाया के पापा, क्या हो गया है घर का हालत? पता नहीं ये बच्चों ने क्या कर दिया है। इस इनाया से तो मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या करती रहती है अपने दोस्तों के साथ, पूरे घर का नाश कर रखा है, हर तरफ हर कुछ बिखरा हुआ है। तुम सबसे पहले एक काम करो, इस इनाया के किसी फ्रेंड को कॉल करो और पूछो कि क्या नाम है, उन्होंने क्या कर रखा है ये। अच्छा ठीक है, मैं फोन अभी तुरंत जाके कर रही हूं। हां जल्दी बिल्कुल। अरे इनाया, तुम्हारी मम्मी और पापा का कॉल था। अच्छा वो आ गए हैं क्या? हाँ तुम्हें बुलाया है। अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, घर पूरा बिखरा हुआ था हम लास्ट टाइम आए थे तो। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो तुम भी चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो मम्मी मुझे छोड़ के क्यों चले गए, यहाँ भूत रहता है। हाँ आंटी सही बोल रही है, हमें भी एक चुड़ैल दिखी थी, पता नहीं वो कैसे कर रही थी हमारे। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये घर सही नहीं लग रहा है मुझे तो। उसी ने देखो ये क्या कर रखा है। अरे बच्चों बस ये तुम्हारा वहम होगा, कोई भूत भूत नहीं रहती यहाँ पे, ना कोई भूत है ना कोई चुड़ैल। नहीं पापा हमने खुद देखी है। हाँ ये सही कह रही है, ये सब उसने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो आराम से बैठ के बात कर रहे थे बस, वो अचानक से आ गई और ये सब कर दिया उसने। आज के बाद इनाया मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी ऐसे अकेले। हाँ मम्मी मुझे छोड़ कर मत जाना। चलो ठीक है अब तुम चुप हो जाओ, रो मत, हम कल घूमने जाएंगे। तो आंटी हम जाएं अब घर? हाँ बेटा तुम लोग घर चले जाओ, साथ में जाना। ठीक है। इनायत अब तुम हमें सच सच बताओ कि हुआ क्या था, शुरू से बिल्कुल एंड तक बताओगे और बिल्कुल सच बताना क्या हुआ। हाँ पापा मैं सच ही बताऊंगी, जब आप लोग चले गए थे तो मैं सुबह को उठी तो आप लोग नहीं थे, मैं समझ गई कि आप लोग चले गए हो, तो मैंने नाश्ता वास्ता करके अपनी फ्रेंड्स को कॉल किया, फिर वो लोग आ गई, फिर उसके बाद हम लोग खेल ही रहे थे, बात कर रहे थे, उसके बाद बस हमें कुछ अलग सा दिखा। फिर अच्छा वो क्या था वो अलग सा, जरा बता सकते हो? वो चुड़ैल जैसी कुछ थी, वो बहुत भयानक दिखती थी वो बिल्कुल, और घर में पूरे घर में घूम रही थी वो, पता नहीं क्या कह रही थी, अजीब अजीब सी बातें, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी ये वो, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मेरी फ्रेंड्स भी डर गई थी बहुत। तो मतलब अब कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम आ गए हैं ना, कुछ नहीं होगा। तो मतलब तुम लोगों ने घर कुछ भी नहीं बिखराया था, वो चुड़ैल ने बिखराया है? हाँ हाँ पापा हमने कुछ नहीं किया, हम तो आराम से बैठे थे बस, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए वैसे फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे बस। ठीक है मैं सारी बात बता दूँ, बस यही सब था और वो चुड़ैल आ गई थी। कोई बात नहीं, अगर तुमने ये सब देखा है और तुम्हारी फ्रेंड्स ने भी, तो अगर ये नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम ये घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, पर अब इस घर में तब नहीं रहेंगे अगर तुम लोग डरोगे तो। हाँ नहीं तुम परेशान मत हो। हाँ मम्मी बस देख लो, अगर सही नहीं है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, घर बहुत खतरनाक है। तुम लग रहा है सच कह रही हो और तुम्हारे पापा भी सही कह रहे हैं। चलो अच्छा है, हमारा घर कम से कम खूबसूरत लग रहा है, पहले की तरह नहीं बिखरा हुआ। हाँ हमने अभी मिलकर करा है ना।